अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक, सर्विंग एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको टेक्स्ट फाइल ASCII फाइल के बारे में बताएंगे, जो कि आप टोटल स्टेशन के ज़रिए ऑटो कैड कंप्यूटर में आप डाउनलोड करते हैं और उसको आपने कैसे एक्सेल के अंदर और ऑटो कैड के अंदर मूव करना है और पॉइंट ड्रा करने हैं उसके। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो देखें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आएँ दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये देखें, ये मेरे पास फॉर्मेट पड़े हुए हैं ए टेक्स्ट फाइल के। तो ये आप जब इसको डाउनलोड करते हैं तो ये आपके कॉमा में और स्पेस के हिसाब से मुख्तलिफ ऑप्शन के अंदर आपका डेटा आ जाता है। और इस डेटे को आप जब आप मूव करना है आपने ऑटो कैड के अंदर, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है। बाकी तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको डायरेक्टली वो आपका ऑटो कैड के अंदर आपको प्लाट कर देते हैं, जिसमें ईगल पॉइंट वगैरह और सिविल 3D वगैरह। लेकिन आप सिंपल जस्ट ऑटो कैड के अंदर बाज़ औक़ात आपको छोटा काम करना होता है और वो आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड आएगा। आप ये फाइल को ओपन कर लें, इस तरह आपके पास फाइल आ जाएगी। इसको कंट्रोल ए करके कापी कर लें सारा। कापी करने के बाद आप एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर लें। एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं और आप इसको इधर इसको पेस्ट कर दें। सिंपली आप इसको पेस्ट कर दें, देखें ये आपके पास ये सारा कुछ आ रहा है वो, और एक ही वो कॉलम के अंदर वो आपको ये शो कर रहा है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि इनको आपने अलग-अलग करना है। अलग-अलग आपने कैसे करना है, उसका एक सिंपल सा मेथड है। आप इसको इधर से सिलेक्ट कर लें और ये डेटा कॉलम में जाके, और टेक्स्ट टू कॉलम्स का एक ऑप्शन है, देखें ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर लें, मेटेड इसको आप नेक्स्ट कर दें और ये आपके इधर कामा है। देखें कामा वाला एक ऑप्शन आपके पास, ये भी इधर आपके नीचे फाइल्स आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है कि मैं जा रही हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको अलग अलग कर देगा, जैसे आप कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट करते हैं। सिंपल सा नेक्स्ट करके और फिनिश कर दें। ये देखें ये मुकम्मल, ये अलग अलग कॉलम में अपना अपना वो सेटिंग होगी इसकी। इसकी हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं आगे, ये सीरियल नंबर, ये स्ट्रिंग, ये नॉर्दिंग, नाउ एलिवेशन। तो इसके लिए अभी आपने ऑटो कैड में जब इसको आपने पेस्ट करना है तो इसको आपने दोबारा ज्वाइंट करना है ऑटो कैड के सिस्टम के हिसाब से, कॉमा सिस्टम के हिसाब से। तो वो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है ऑटो कैड इसके अंदर एक्सेल के अंदर। तो आप इजिकल टू जाएँ और फार्मूला बार में चले जाएँ। फार्मूला बार में जाते हैं, ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन इंसर्ट फंक्शन, जिसको आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये आपके पास एक टेबल खुल जाता है। आपने इसमें कॉन्टेंटिनेट को आपने सर्च करना है। ये देखें ये आप करते हैं तो ये आपने सी लिखा तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप ओके कर दें। ये देखें ये आपके पास ये कॉलम एक ओपन हो गया, सिंपल सा एक कॉलम आ जाता है फ़ौरन ही। और इसके लिए आपने ये करना है कि इधर टेक्स्ट वन है और टेक्स्ट टू है, इस आपने पहले कॉलम में सेलेक्ट करके और स्ट्रिंग वाले कॉलम को आपने क्लिक कर देना। ये देखें ये B4, ये 4 है और ये B4, इसको वो सिलेक्ट करके आएगा। इसको आपने नीचे सेकंड कॉलम में क्लिक करना है और कॉमा, कॉमा कीबोर्ड से आपने कॉमा इसके अंदर मैनुअल लगा लेना है। कॉमा लगाने के बाद आपने नीचे वाले कॉलम के अंदर क्लिक करना है टेक्स्ट 3 के अंदर। तो उसके बाद आपने इसके अंदर नॉर्दिंग को सिलेक्ट कर लेना है। नॉर्दिंग को ये देखेंगे साइड पर, ये इसकी वैल्यू भी दे रहेगा। इसी तरीके से आपने नीचे टेक्स्ट 4 वाले कॉलम पर क्लिक करना है और इधर मैनुअल कॉमा लगा देना है। मैनुअल कॉमा लगाने के बाद आपने फिर टेक्स्ट 5 पर क्लिक करके और एलिवेशन को आपने क्लिक कर देना है। ये देखें ये आपके पास ये इधर ये इज इक्वल टू आपको ये दे रहेगा सारा कुछ, ये किस तरह ये है टेक्स्ट टू और फलाना फलाना ये, और इधर ये C4 CD और CB के हिसाब से वो आपको बता रहा है। इधर से आप ओके कर देना। देखें ये आपके पास ये एक जॉइंट हो गया ऊपर फार्मूले के हिसाब से। अभी आपने इसको नीचे नीचे से सिलेक्ट करना है और ये एंड तक इसको आपने पेस्ट कर देना है। बहुत बड़ी फाइल है ये, तो जो काम करते हैं टॉपोग्राफी का बाकी का उनको पता है इस चीज़ का। ये देखें ये आपको सिलेक्ट होगी, इसके बाद आपने इससे इसको कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद ऑटो कैड के अंदर आ जाना आपने। ये देखें ये ऑटो कैड के अंदर, और इधर से आपने ये पॉइंट्स कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इसमें अगर आपके पास ये बड़ा है तो थोड़ा सा इसमें आपको इधर से इसको पॉइंट को सेटिंग करनी है इसकी।
पॉइंट्स स्टाइल को सिलेक्ट कर लें, ये जो आपके सामने देखें ये डॉट है, अगर डॉट पे ले आए इधर से इसका पॉइंट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं 0.5 कर लें, क्योंकि बहुत बड़े पॉइंट आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइंट होगा तो वो क्लियर नहीं होता। तो ये इसके बाद आप पॉइंट को सिलेक्ट करें और सिंपल सा जस्ट इधर करके और इसको पेस्ट कर दें। ये देखें ये फाइल डाउन शुरू होगी मेरे पास पॉइंट के हिसाब से। एक सिंपल सा मेथड है और सिंपल सा तरीकाकार होता है इसका, बहुत ही आसानी के साथ ये आप इसमें छोटी मोटी फाइल एडजस्ट करके और आप अपना सारा काम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। देखें ये फाइल मेरे पास पूरी आ गई, ये पूरा उसने ड्रैग कर दिया सारा, ये कोऑर्डिनेट वगैरह सारा कुछ। आप इसको आईडी की कमांड से आप इसको सिलेक्ट करके ये देखें ये चेक कर सकते हैं नीचे, और ये इसमें आपको एक्स और वाई आपको रेलिवेशन आपको वो तीन चीज़ें वो आपको बता रहा है बहुत सिंपल मेथड के ज़रिए, और इसको आप पूरा आप चेंज कर सकते हैं सारा कुछ। ये देखें ये पूरा टॉपोग्राफी का, एक रोड का टॉपोग्राफी मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैंने ड्रा किया है। तो हमारे साथ रहिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स बहुत ही आसानी के साथ और इजीली मिलते रहें। अपना फीडबैक दें और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।